हेलो दोस्तों, आज मैं आपको YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके YouTube वीडियो में व्यूज और चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ सके। दोस्तों, मैं आज आपको कैसे थंबनेल लगाना है, कैसे टैग लगाना है, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, मैं आपको A to Z सब कुछ आपको बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गेश किंग में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आपको सिंपली अपने YouTube एप्लीकेशन में जाकर वो कैमरे वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिस भी वीडियो को आप लोग को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों, आपको जैसे ही उस वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपने वीडियो को यहाँ से प्राइवेट कर लीजिएगा। प्राइवेट करने से क्या होगा दोस्तों, कि अभी जो टैग डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप YT स्टूडियो में जाएंगे तो वहां से आपको ऑप्शन आ जाएगा। और जिससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका वीडियो अपलोड हो गया और आपने उसमें टाइटल और टैग और थंबनेल नहीं डाले हैं, तो सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपका वीडियो में तो टैग ही नहीं है, टाइटल भी नहीं है, तो आपके वीडियो को जानेगा कैसे कोई, तो आपके वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। तो दोस्तों, पहले आपको प्राइवेट कर लेना है और सिंपली से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको YT स्टूडियो ऐप में आ जाना है। YT स्टूडियो ऐप में आने के बाद दोस्तों, आपको इसी वीडियो पर जाना है, वो पेंसिल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ आपको आ गया है। आने के बाद आप दोस्तों यहाँ से आपको अपने टाइटल वाले ऑप्शन में जाना है। टाइटल में आपको टाइटल क्या लिखना है अपने वीडियो का। जैसे अब मैं दोस्तों आपको यही कहूंगा कि आप कि जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाया है, जैसे मैंने वीडियो बनाया कि YouTube वीडियो में व्यूज कैसे लाएं, तो मैं यहाँ पर अपने YouTube में आ जाएंगे। YouTube पे के सर्च बार में जाना है आपको और यहाँ पर लिखना है हाउ टू इंक्रीज YouTube व्यूज। तो आपको जितना इतना ही लिखने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्च में आ गए हैं, और जो सबसे ऊपर आ रहा है आपको उसको टाइटल में लिख देना है और बाकी सबको आपको टैग में लिख देना है। और इस सबको पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बाकी सबको फिर टैग और टाइटल में लिख लीजिएगा। और सबसे ऊपर वाले में फिर से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर से बहुत सारे आ गए हैं, तो सबसे ऊपर वाले को फिर से आपको कॉपी कर लेना और बाकी सबको लिखकर टैग में डालना है और सबसे ऊपर वाले को टाइटल में डाल देना है। दोनों को कॉपी करने के बाद दोस्तों, कॉपी में लिख लेने के बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है और अपने YT स्टूडियो ऐप में चलना है। YT स्टूडियो ऐप में आने के बाद दोस्तों, आपको जो भी मैंने दो टाइटल बताए हैं उन टाइटल को लिख लेना है, और लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आपको जो टैग है, टैग में उन सभी को डाल लेना है। टैग जो नीचे वाला टैग का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको लिख देना है टैग में। और लिखने के बाद सिंपली दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्या लिखना है, आपको अपने टाइटल को कॉपी कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में ऊपर साइड लिख देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा अपने वीडियो के बारे में आपको वहां पर लिख देना है कि मैंने इस वीडियो में ये सब बताया है। आपको हैशटैग डालकर जितने भी आपको टाइटल मिले हैं, टाइटल जो आपने कॉपी में लिखी हुई है, टाइटल को आपको लिखना है हैशटैग बनाकर। ध्यान दीजिए दोस्तों, हैश लगाकर आपको वही सब टाइटल लिख देना है उसमें। इतना लिखने के बाद दोस्तों, सिंपली थोड़ा सा बैक आकर आप अपने थंबनेल पे जाइए। थंबनेल आपको ऐसा बनाना है जैसे उसमें बहुत ही हाईलाइटेड होना चाहिए आपका थंबनेल, जिससे आप लोग आपके थंबनेल को देखें और सिंपली जल्दी से इस वीडियो में क्लिक कर दें। दोस्तों, अगर आपसे हाईलाइटेड थंबनेल नहीं बनाना नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके लिए वो भी बता दूंगा थंबनेल कैसे बनाना है हाईलाइटेड, जिससे आपके वीडियो को क्लिक बहुत ही जल्दी मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और वीडियो को लास्ट में मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने चलता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों इन ब्राउजर। आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों ये एक तरह का ब्राउजर है, आप इसके अंदर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कैसा है, और यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंडिया की तरफ से है, मैंने इसे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह का ब्राउजर बनाना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। और दोस्तों, इसे आप इंस्टॉल जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ब्राउजर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।